अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आगा शहरयार खान, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सीएसएस ब्रेनरी। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सीएसएस ब्रेनरी एंड पार्टिकुलरली इन दिस वीकली न्यूज एनालिसिस। अच्छा, लास्ट वीक अगेन, लास्ट एक वीक में कोई इतनी बड़ी प्रोग्रेस तो नहीं हुई, कोई इतने रैपिड चेंजेस, बट अगेन लाइक लास्ट वीक वी स्टार्टेड एंड डिस्कस द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। आज भी हम वहीं से स्टार्ट लेंगे। कुछ दो तीन मेजर चेंजेस हैं, कुछ दो तीन पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने हैं, अदरवाइज कोई इतनी मेजर कोई पॉलिसी मेकिंग का शिफ्ट या कोई इतना मेजर शिफ्ट नहीं आया न्यूज के अंदर। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें इकोनॉमी से ही, लास्ट टाइम हमने बजट को बड़ा डिटेल में स्टडी किया था कि वो क्या चीजें हैं और गवर्नमेंट के जो आईएमएफ के साथ बजट के साथ रोल बैक की हैं सेवरल चीजें, उसको हमने डिस्कस किया था। आज भी हम इकोनॉमी से ही स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले क्योंकि ऑयल प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस इज इंक्रीजिंग ऑलमोस्ट ऑन वीकली बेसिस, और उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन, एंड इन्फ्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 13 एंड 14 ईयर्स क्रॉस द मार्क ऑफ 20% इन पाकिस्तान। 2008 में बिकॉज ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, 2008 में आप सबको पता है, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको पता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 2008 में, और पूरी दुनिया में एक क्राइसिस थे और उसकी वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन थी वो अराउंड 20% पर थी, बल्कि 19 उससे भी कम थी, बट पहली दफा 14 सालों में ये 20% का जो बैरियर है वो क्रॉस हुआ है। एंड इट इज रियली एन आई ओपनिंग फिगर फॉर द पॉलिसी मेकर्स इन पाकिस्तान। और अगर हम इसमें अगर फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो फूड इन्फ्लेशन इससे भी ज्यादा है और अराउंड 26% है, और जैसा कि मैंने पहले भी क्लासेस में कहा था कि द वर्स्ट इज येट टू कम, अभी और ज्यादा वर्स्ट सिनेरियो आने लगा है बिकॉज ऑफ द फ्यूल क्राइसिस, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल, बिकॉज ऑफ द पावर आउटेजेस इसकी वजह से। तो ये एक फिगर है जिसको आप बहुत सारी जगहों पर यूज कर सकते हैं, चाहे इकोनॉमी का सवाल आए, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट का सवाल हो, पॉवर्टी का क्वेश्चन हो, फूड क्राइसिस या फूड इनसिक्योरिटी का सवाल हो, उसमें भी जो है वो आप ये फिगर कोट कर सकते हैं कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो 26% है और ओवरऑल इन्फ्लेशन ने पाकिस्तान में 14 साल तक जो एक बैरियर था 20% फर्स्ट टाइम क्रॉस किया है। अभी हमने लास्ट टाइम ही अपने जो करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स का हमारा ओवरऑल सेशन है उसमें हमने फूड इनसिक्योरिटी का टॉपिक पढ़ा था, और एंड वी डिस्कस दैट फूड इनसिक्योरिटी इज बेसिकली रिवॉल्व अराउंड थ्री एलिमेंट। द फर्स्ट वन इज फिजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, द सेकेंड वन इज इकोनॉमिक अफोर्डेबिलिटी, एंड थर्ड एलिमेंट इज सोशल एक्सेस। तो उसमें जो ये दूसरा एलिमेंट है जिसको हम इकोनॉमिक अफोर्डेबिलिटी कह रहे हैं, ये हर्ट होता है, ये डैमेज होता है बिकॉज ऑफ द बर्जियनिंग प्राइसेस ऑफ फूड इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी जो है वो मजीद बढ़ेगी। अभी भी अराउंड 36 to 37% फिगर है फूड इनसिक्योरिटी का, एंड बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्राइसेस वो चीज मजीद बढ़ेगी और इसको आप वहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, ट्रेड डेफिसिट। ये हमने पहला जो हमारा लेक्चर था करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स का, उस सेशन के भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स के बैच के और दूसरे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है, और उसमें से हमने ये पढ़ा था कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम ट्विन डेफिसिट है, और दो तरह के डेफिसिट हमने पढ़े थे, एक को हमने बोला था फिजिकल डेफिसिट और दूसरे को हमने बोला था ट्रेड डेफिसिट। और ट्रेड डेफिसिट का एक पार्ट होता है मतलब एक हमने पढ़ा था फिजिकल डेफिसिट और एक पढ़ा था करंट अकाउंट डेफिसिट, और करंट अकाउंट डेफिसिट में जो सबसे बड़ा पोर्शन था वो ट्रेड डेफिसिट था, यानी इनफ्लो यानी द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट्स यानी आपके मुल्क में कितने इम्पोर्ट्स हैं, कितने डॉलर्स के इम्पोर्ट्स हैं, और आपके मुल्क में कितने डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स हैं, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपका ट्रेड बैलेंस को जो है वो शो करता है। अगर वो नेगेटिव में है यानी आपके आपके इम्पोर्ट्स 100 बिलियन के हैं, आपके एक्सपोर्ट्स 50 बिलियन के हैं, तो आपका जो डेफिसिट है वो $50 बिलियन का है। और अगर आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा है इम्पोर्ट कम है, जैसे कि चाइना के हैं, तो इसका
मतलब आपका जो ट्रेड बैलेंस है वो सरप्लस के अंदर है। पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस था या ट्रेड डेफिसिट था, ये मैं अपने कोर्स में भी बताया था बच्चों को, कि वो 2018 के अंदर था अराउंड 38 बिलियन डॉलर। यानी जब प्राइम मिनिस्टर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट गई या जब जाने ही लगी थी अप्रैल में मई में, तो वो अपने पीछे 38 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट छोड़ के गए। 38 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट था, यानी हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बीच में जो गैप था वो 38 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट था। और उस टाइम पे मेरे ख्याल में हमारे पास एक मंथ के भी इंपोर्ट के पैसे नहीं बचे थे। बट लास्ट गवर्नमेंट आई, आपने देखा 2018 में उन्होंने काफी इनिशिएटिव दिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर, जिससे ये सिचुएशन बेहतर हुई। बट कुछ अभी 4 से 5 महीने में ये ट्रेड डेफिसिट ने उस 38 बिलियन डॉलर के मार्क को भी जो है वो क्रॉस किया है, 37-38 बिलियन डॉलर्स के मार्क को भी क्रॉस किया है। और अब जो है ये ट्रेड इंबैलेंस पहुंच चुका है पाकिस्तान का द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ 75 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान, दैट इज 48.66 बिलियन डॉलर। ठीक है, एंड नाउ 48.66 बिलियन डॉलर का आपका ट्रेड डेफिसिट है। इससे आप दो तीन चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तो इतना बड़ा ट्रेड इंबैलेंस होता है तो आपके जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स होते हैं स्टेट बैंक में वो डेप्लीट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप वहां से निकाल कर फिर आप अपने इम्पोर्ट्स को बजट करते हैं। फिर आपकी दूसरी बात यह है कि इस टाइम के ऊपर ये फिगर रिकॉर्ड शो कर रही है कि हाउ बैडली पाकिस्तान नीडेड द IMF बेल आउट प्रोग्राम, कितनी मुश्किल से और कितनी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह IMF का बेल आउट पैकेज मिल जाए, ताकि क्योंकि ये अगर मजीद बढ़ता चला गया और हमारे खुदा ना खासा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी डिप्लीट हो गए तो हम क्या होंगे, हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, गवर्नमेंट ने काफी इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लगाया है, काफी चीजें की हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट ये फिगर जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो ट्रेड डेफिसिट की जो नई फिगर है उसको भी आप इकोनॉमिक डेटा के अंदर जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चन में आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसके अंदर आप ये फिगर कोट कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर सवाल है उसके ऊपर आप ये कोट कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल प्रोग्रेस हो उसमें ये फिगर्स आप जो है वो कोट कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन है हमारी यहाँ पर, पावर आउटेजेस हो उसमें भी आप ये चीज ये फिगर जो है वो आप कोट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने कल IMF, उस दिन IMF के साथ जो फाइनल डील हुई उसको देखा लास्ट वीक, आज हमने इन्फ्लेशन के ऊपर बात की, दूसरी हमने बात की ट्रेड डेफिसिट के ऊपर, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन रिलेटेड टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, अगेन रिलेटेड टू द प्रोग्रेस एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, एंड दैट इज द एनर्जी शॉर्टेजेस एंड दैट इज द पावर आउटरेजेस ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर द मेट्रोपोलिटन सिटीज इन पाकिस्तान, देन कराची, लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद, सब जगह एक मैसिव अमाउंट के ऊपर लोड शेडिंग हो रही है। और उसकी बेसिक वजह भी यही है, डेफिशंसी ऑफ फ्यूल। ठीक है, पाकिस्तान के पास स्कार्सिटी ऑफ द फ्यूल, फ्यूल नहीं है, फ्यूल लेने के पैसे नहीं है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में पावर क्राइसिस हो रहे हैं, आउटरेजेस हो रही है। अब उसका डायरेक्ट इंपैक्ट कहाँ पर आ रहा है, एक तो होता है ना कि भाई हाँ भाई लोड शेडिंग हो रही है, ठीक है चलो, लेकिन क्योंकि हम एनालिसिस भी कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे आ रहा है। द फर्स्ट इम्पैक्ट इज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर आ रहा है। आए दिन आप देखें, अभी भी कराची में अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में द कमिंग फ्राइडे को जो है वो एक 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 पॉलिटिकल पार्टी ने जो है वो मैसिव प्रोटेस्ट का ऐलान किया है, एंड दे आर डिसाइडेड टू ब्लॉक द मेन आर्टरी ऑफ कराची, दैट इज द चारे फैसल। तो वो अगर ब्लॉक होगी तो पूरी ट्रेड जो है वो रुक जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक जाएंगी, बिजनेस एक्टिविटीज रुक जाएंगी। एक तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो रही है। इसी तरह कराची में मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, अगेन आर्टरी को ब्लॉक किया गया, पुलिस यूज जो है वो टियर गैस और शेलिंग की गई, उसमें एक बंदे की यहाँ पर जान भी चली गई। ठीक है, तो एक तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, फिर डेफिशिएंसी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स एंड नेशनल एनर्जी शॉर्टफॉल ऑन ट्यूजडे, लास्ट ट्यूजडे वॉज अ मैसिव ऑफ 9,000 मेगावाट्स विद कराची, पिशावर, मुल्तान, इसका जो है वो 9,000 का जो है वो हमारे पास शॉर्टफॉल था। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने देखना चाहिए। ठीक है जी,
तो इसको भी आपने मतलब ये भी फिगर है, 9,000 MW ऑफ एनर्जी विद कराची पिशावर मुल्तान रिपोर्टेडली मोस्ट अफेक्टेड सिटीज। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यहाँ पर वो भी चीज लिखी हुई है कि उससे ना सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज मुतासर होंगी, प्रोटेस्ट होंगे, पुलिस की शेयरिंग, टियर गैसिंग एंड अगेन द इंडिविजुअल्स लॉस्ट देयर लाइफ, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तीसरी चीज जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वाटर सप्लाई, खास तौर पे मेन सिटीज में, बिकॉज ऑफ द पावर आउटेज वाटर सप्लाई भी जो है वो अफेक्ट हो रही है इन रेजिडेंशियल एरियाज, इंडस्ट्रियल एरियाज एज वेल, उससे भी जो आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो इम्पैक्ट करेगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट ऑल्सो अफेक्ट द टेली कम्युनिकेशन सेक्टर, क्योंकि टेली कम्युनिकेशन में जितनी भी ये लीडिंग सेलुलर फर्म्स हैं, इन्होंने बकायदा लेटर लिखा है गवर्नमेंट को एंड वॉन्ट दैट द प्रोलॉन्ग पावर आउटेजेस एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ बैटरी कंटिन्यू, देयर कुड बी अ डिसरप्शन इन टेलीफोनी एंड डेटा सर्विसेज ड्यू टू द ब्लॉक ब्लैकआउट ऑफ टावर्स। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बकायदा रिटर्न लेटर लिखा है कि अगर यूं ही पावर आउटेजेस जारी रहेंगी और आपने जो बैटरी को इंपोर्ट करने पर भी बैन लगाया हुआ है, तो इससे हमारी जो सर्विसेज हैं वो भी मुतासर होंगी, सेलुलर सर्विसेज भी मुतासर होंगी, और जो सबसे बड़ी, जो सबसे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो 4G डेटा सर्विसेज हैं वो भी इंपैक्ट होगा। और 4G डेटा सर्विसेज को इंपैक्ट होने का मतलब है पाकिस्तान का जो ई कॉमर्स सेक्टर है, जो डिजिटल सेक्टर है, वो इफेक्ट होगा। और आपको भी पता है कि कितने ज्यादा लोग ई कॉमर्स से कनेक्टेड हैं, कितनी मैसिव अमाउंट के ऊपर कराची, लाहौर, इन बे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ई कॉमर्स सेक्टर के ऊपर एक्टिविटीज होती है, कितनी ज्यादा ट्रेड हो रही होती है। तो एक तो वैसे ही आप नीचे जा रहे हैं और ऊपर से पावर आउटेजेस की वजह से ना सिर्फ आपकी इंडस्ट्री मुतासर हो रही है, आपकी टेली कम्युनिकेशन सेक्टर मुतासर हो रहा है, आपकी ई कॉमर्स इंडस्ट्री मुतासर हो रही है, और वाटर सप्लाई आपकी जो है रुक रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो रही है। इन अ नटशेल, वी आर बेसिकली इंगल्व्ड इन अ वेरी ग्रेव क्राइसिस, चाहे वो इकोनॉमी हो, पावर आउटेजेस हो, इंडस्ट्री हो, एक्सपोर्ट सेक्टर हो, हर तरीके से इस टाइम के ऊपर आपके पास जो है वो रूम नहीं है, ब्रीथिंग स्पेस भी नहीं है इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के। तो पावर क्राइसिस के ऊपर ये 4 से 5 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। पावर क्राइसिस के ऊपर काफी दफा सवाल आता है, 2019 में भी आया था, इससे पहले भी एनर्जी क्राइसिस के ऊपर सवाल आता है, पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस का हिस्सा भी है पावर क्राइसिस, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पहले तो बहुत आता था 2013 से 2018 के दरमियान, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पावर आउटेजेस थी, फिर जो है वो कम हुआ, ठीक है जी, 8 से 13 के दरमियान तो बहुत आया, फिर कम हुआ, इसके ऊपर क्वेश्चन आना, लेकिन अभी अगेन ये जो है वो इशू रेज हुआ है, इसके ऊपर भी मेन क्वेश्चन भी आ सकता है, और इवन यू कैन आल्सो एक्सपेक्ट एसे फ्रॉम ऑन दैट टॉपिक एज वेल। इसको इंशाल्लाह पूरा डिटेल में, हमारी असल में एनर्जी के सेक्टर का इशू है क्या, गवर्नेंस का इशू है, ओवरलैपिंग जो है वो हमारे पास इदारे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तय नहीं हो पाती, क्योंकि इतना एक कॉबवेब बना हुआ है, पूरा पूरा लेक्चर डिटेल में इंशाल्लाह हम अपने करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स के सेशन में कवर करेंगे, पूरा वंस एंड फॉर ऑल एनर्जी सेक्टर का मसला क्या है, इशू क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है। बट ये लीडिंग स्टैटिस्टिक्स वीकली न्यूज एनालिसिस के लिहाज से इसको आपने याद रखना है, ठीक है जी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप थोड़ा सा इंटरनेशनल सिनेरियो को देख लें, तो इंटरनेशनल सिनेरियो में जो इस टाइम के ऊपर, एक तो यूक्रेन वॉर है, उसको मैं जानबूझ के कवर नहीं करता, फिर जब काफी चीजें जमा हो जाती हैं तो फिर मैं उसको कवर कर लेता हूँ। इसके अलावा जो इस टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज है वो दो चीजें हुई हैं, एक तो ईरान यूएस टॉक्स ऑन ज्वाइंट JCPOA है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन, इसको ईरान न्यूक्लियर डील भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो ईरान न्यूक्लियर डील के ऊपर जो टॉक्स है उसका जो कंक्लूजन है वो कोई इतना अच्छा नहीं हुआ, एंड द टॉक्स एंडेड इन फेलियर, अगर इसको कहा जाए तो कोई जो है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि कोई भी वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुई जो लास्ट टॉक्स हुए दोहा के अंदर, ठीक है। द चांसेस ऑफ रिवाइविंग 35 ईरान न्यूक्लियर डील आर वर्स आफ्टर इनडायरेक्ट यूएस ईरान टॉक्स ऑन दोहा दैट एंडेड विदाउट अ प्रोग्रेस, अ सीनियर ऑफिशियल सेड ऑन थर्सडे। तो ये आपने देखना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक सेकेंड दे मुझे। अच्छा, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके ऊपर जो मैंने पहले भी कुछ वीकली न्यूज एनालिसिस में चीजों को कवर किया हुआ है, और वीकली न्यूज एनालिसिस में मैंने बताया था कि कहाँ पर जो है वो मामला अटका हुआ है, ईरान कहता है कि जो है आप हमें श्योरिटी दें कि दोबारा से आप जो है वो इस डील को जो है वो स्कटल नहीं करेंगे, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने आके किया, और फिर वो कहते हैं कि उनकी जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसको जो ब्लैकलिस्ट किया हुआ है,
उसको भी वहां से निकाला जाए। बट यूएस का ये कहना है कि ये वो कंडीशंस हैं जो शामिल नहीं थी ओरिजिनल ईरान न्यूक्लियर डील में, तो आपको इसके ऊपर जो है वो बात नहीं करनी चाहिए। और इसी के फिर इम्पैक्ट में, इसी के कॉन्सिक्वेंसेज में ईरान ने जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है वो दोबारा रिवाइव करना जो है वो शुरू कर दिया है। और इसकी वजह से आईएईए के साथ भी उसके साथ जो है उसके रिलेशन जो है वो स्ट्रेन हो गए हैं। कि इन द लास्ट साइन दैट ऑल इज नॉट वेल विद एफर्ट्स टू बाय न्यूक्लियर डील बिटवीन ईरान एंड द P5, तेहरान हैज डिसकनेक्टेड अ नंबर ऑफ मॉनिटरिंग कैमराज प्लेस्ड बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एट इट्स न्यूक्लियर साइट्स। क्योंकि ईरान की मॉनिटरिंग के लिए आईएईए ने डिफरेंट मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर इंपोज किया, तो ईरान ने आहिस्ता आहिस्ता उसको निकालना शुरू कर दिया है। द मूव हैज केम इन द आफ्टरमथ ऑफ द रेजोल्यूशन प्रेजेंट इन द यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड द यूएस, फोर ऑफ द सिक्स मेंबर ऑफ P5 प्लस वन ऑफ द आईए एलिजिंग दैट ईरान वाज एस्केलेटिंग इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। क्योंकि ईरान ने कहा कि भाई डील ये हुई थी कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को 98% जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, रोक देंगे, और उसके अगेंस्ट यू विल प्रोवाइड अस इकोनॉमिक रिलीफ एंड यू विल अपलिफ्ट ऑल द इकोनॉमिक सेंक्शंस ऑन ईरान। और हमने तो वो 98% यूरेनियम की स्टॉक पाइल को भी कम कर दिया, हैवी रिएक्टर्स भी बंद कर दिए, सब चीजें कम कर दी, और आपने तो हमसे जो है वो इकोनॉमिक सेंक्शंस को अपलिफ्ट ही नहीं किया, हमें इकोनॉमिक रिलीफ वो प्रोवाइड ही नहीं किया, और अभी भी टॉक्स हैं, तो अब इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, तो इससे बेहतर यही है कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। और आप ये बात याद रखिएगा, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम कैन ट्रिगर द न्यूक्लियर आर्म रेस इन द मिडिल ईस्ट। और इसके ऊपर वाजे स्टेटमेंट है सऊदी क्राउन प्रिंस MBS जो है मोहम्मद बिन सलमान का स्टेटमेंट है, कतर का स्टेटमेंट है, सऊदी अरब का स्टेटमेंट है कि ईरान बिकम सक्सेसफुल इन एस्टेब्लिशिंग इज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, तो फिर हमें भी कोई नहीं रोक सकता न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को स्टार्ट करने में। इट कैन ट्रिगर न्यूक्लियर आर्म रेस इन मिडिल ईस्ट, और जो कि बहुत ज्यादा एक खतरनाक हो सकती है। नेक्स्ट जी, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक और डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके ऊपर ब्रिक्स में पहली दफा ये बात डिस्कस हुई कि अब इसकी मेंबरशिप को एक्सपेंड किया जाएगा और दूसरे कंट्रीज को भी इसका मेंबर्स बनाया जाएगा। और काफी दूसरे कंट्रीज ने जो है वो इसकी जो ब्रिक्स की सबमिट थी चाइना में उसको जो है वो उसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, पाकिस्तान को भी चाइना ने कहा था कि आप पार्टिसिपेट करें, बट बिकॉज इंडिया ब्रिक्स का जो एक फाउंडिंग मेंबर है वो इंडिया है, और इंडिया ने अगेन पाकिस्तान की जो पार्टिसिपेशन थी उसको ब्लॉक किया। द सेम बिहेवियर दैट वाज अर्लियर ऑब्जर्व इन द सार्क समिट, जहां पर इंडिया की पूरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली एक्सक्लूड किया जाए। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट जो नोटिस किया गया कि चाइना ने भी कोई इतने ज्यादा एफर्ट नहीं किए और पुश नहीं किया इंडिया को कि पाकिस्तान को भाई इजाजत दे दी जाए कि वो भी पार्टिसिपेट करे, क्योंकि इस टाइम के ऊपर बीजिंग और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे तो होते हैं लेकिन उस लेवल पर नहीं है बिकॉज ऑफ अटैक्स, मल्टीपल अटैक्स ऑन चाइनीज नेशनल्स इनसाइड पाकिस्तान। तो उस चीज की वजह से अगेन पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पार्टिसिपेशन करने से रोक दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, और इंडिया के एफर्ट्स की वजह से अब पाकिस्तान को देखना चाहिए कि इसको किस तरह अपनी फॉरन पॉलिसी को अडेप्ट करे ताकि वो भी मल्टी फोरम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अच्छी तरह एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाए। तो ये कुछ चीजें थी जो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करनी थी। इसके अलावा दो तीन चीजें और हैं जो कि नेशनल लेवल के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं काफी वीकली न्यूज एनालिसिस से ये चीज कवर कर रहा हूँ, द टॉक्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान के लिए, यानी इन 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 टॉपिक्स के अंदर ये टॉपिक कवर होता है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान है, नेशनल इंटरेस्ट है, जो है वो प्रॉक्सी वॉर है, नॉन स्टेट एक्टर्स है, ये जितनी चीजों के मैं नाम ले रहा हूँ यू कैन फाइंड दीज टॉपिक्स इन द कोर्स ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स, इन द कोर्स ऑफ करंट अफेयर्स एज वेल। तो इसकी ही अम्ब्रेला के नीचे एक जो डेवलपमेंट है वो थी टॉक्स बिटवीन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और इनके दरमियान टॉक्स थी। मैंने पहले भी कवर किए कि तहरीके तालिबान ने कुछ शर्तें रखी हैं, उनके जो है वो टेररिस्ट को रहा किया जाए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त थी जिसके ऊपर कहा गया कि पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा वो थी कि फाटा मर्जर को रिवर्स किया जाए। ये चीज चल रही थी, बट अगेन क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि इस टॉक्स की डेफिशिएंसी या लूप होल कहाँ पर है कि मिलिट्री मिलिट्री हैज नॉट टेकन द पॉलिटिकल साइड, द सिविलियन साइड
इनकॉन्फिडेंस, मिलिट्री ने जो पाकिस्तान की सिविलियन साइड, या ये कहना चाहिए पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था। आपके इंटीरियर मिनिस्टर का स्टेटमेंट है जो शेख रशीद है कि मुझे तो पता ही नहीं कि कोई टॉक्स चल रही है। अब जो नई गवर्नमेंट आई, नया सेटअप आया, तो पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर बड़ा एक स्ट्रांग स्टांस लिया कि भाई ये क्या तरीका है कि आप जाके जो है वो टॉक्स कर रहे हैं और पार्लियामेंट को पता ही नहीं है। जमात इस्लामी ने बड़ा स्ट्रांग स्टांस लिया, तो पहली दफा जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी से रापता किया गया, और फिर जो है पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो मिलिट्री लीडरशिप को गोन दिया कि आप जाएं और टॉक्स करें। वो तो देना ही था, पाकिस्तान में कभी भी रोका नहीं जाता और ना ही चेंज किया जाता है, और ये भी इंश्योर किया गया कि कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं होगी। ऑन जून 22 मिलिट्री हैज अश्योर्ड द पॉलिटिकल लीडरशिप दैट नो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंशन वुड बी गिवन टू बैन टीटीपी इन द ऑनगोइंग डायलॉग एंड एनी डील विद द टेररिस्ट ग्रुप वुड बी subject to parliamentary approval and it's a good sign, although ये cosmetic event ही है, एक cosmetic चीज ही है, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि पावर लाइज जो है वो मिलिट्री स्ट्रक्चर में ज्यादा है और ये चीज करनी ही थी। लेकिन अगेन ये जो लास्ट जुमला, वो सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल, इट इज गुड साइन फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान। कुछ फिगर्स भी पब्लिश की गई पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज पे टीटीपी के बारे में, कि टीटीपी के कितने फैक्शंस हैं, कितने अटैक्स किए गए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि टीटीपी अलोन एक्सक्लूडिंग ब्रेकर फैक्शंस ऑफ लोकल ग्रुप्स हैज कैरीड आउट 3 to टेररिस्ट अटैक्स इन पाकिस्तान सिंस 2007। दिस इंक्लूड 301 सुसाइड बॉम्बिंग्स व्हिच क्लेम अराउंड 7500 लाइव्स इनसाइड पाकिस्तान। और इसको फिर ब्रेक डाउन करके भी बताएगा कि कितने इंडिविजुअल्स ने जान दी, कितने सिक्योरिटी पर्सनल ने जान दी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स थी फ्रॉम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज, दैट हाउ मेनी अटैक्स कैरीड आउट बाय टीटीपी सिंस 2007। और अभी की खबर यह है कि पॉजिटिव साइन हुआ है, हेल्थी डेवलपमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, दैट जो भी होगा वो पार्लियामेंट की अप्रूवल से होगा। ऑल्दो इट इज अ कॉस्मेटिक थिंग, बट मैंने कहा कि इसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर मौजूद है। अच्छा, एक और चीज शायद मैंने लास्ट ईयर लास्ट टाइम कवर की थी, नहीं की थी क्योंकि मुझे याद नहीं, मैं दोबारा कवर की थी तो वो चीज रिवाइज हो जाएगी, नहीं कवर की थी तो मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट एक दो हफ्ते पहले यूएस ने जो है वो पॉलिसी अनाउंस की थी रिलेटेड टू चाइना, और ये जो इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटोनी ब्लिंकिन, उन्होंने इस पॉलिसी को अनाउंस किया। ऑल्दो इसकी पूरी डिटेल, यूएस चाइना राइवलरी कितनी डोमेन में है, टेक्नोलॉजिकल डोमेन में, स्ट्रेटेजिक डोमेन में, पॉलिटिकल डोमेन में, टेक्नोलॉजिकल डोमेन में, सोशल डोमेन में है, ब्रिक्स वर्सेस इंडो पैसिफिक पॉलिसी क्या है, यूएस की इंडो पैसिफिक पॉलिसी के कितने एलिमेंट्स हैं, एंटी चाइना पैक्ट क्या है, अक्कुस है, क्वाड है, फिर यूएस और इंडियन जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, 2+2 डायलॉग है, और इसके अलावा दूसरी चीजें, पूरा करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स के बैच में इंशाल्लाह कवर करते हैं। लेकिन एज फार एज द न्यू वीकली न्यूज एनालिसिस, आपको ये बताना जरूरी है कि जो न्यू पॉलिसी है वो 3 एलिमेंट्स के ऊपर बेस कर रही है जो रिसेंटली एंटोनी ब्लिंकिन ने अनाउंस किया है, दैट इज इन्वेस्ट अलाइन एंड कम्पीट। इन्वेस्ट अलाइन एंड कम्पीट कि इन्वेस्ट किया जाएगा, कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, टू गिव ऑल्टरनेटिव टू चाइनीज इन्वेस्टमेंट टू द डेवलपिंग कंट्रीज एंड पर्टिकुलरली द कंट्रीज ऑफ एशिया पैसिफिक। चाइना का जो मैसिव प्रोजेक्ट है BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उसकी ऑल्टरनेट में सिर्फ हम ये नहीं कह सकते, यूएस को अब एहसास हो गया कि हम कंट्रीज को सिर्फ ये नहीं कह सकते कि चाइना बुरा है, चाइना पे मत जाओ, चाइना डेट ट्रैप कर देगा, चाइना आप पे कब्जा कर लेगा, चाइना इज अनदर ईस्ट इंडिया कंपनी, हम ये नहीं कह सकते। इफ यू वॉन्ट टू रिस्ट्रिक्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट, वी हैव टू गिव ऑल्टरनेटिव ऑप्शन टू द डेवलपिंग कंट्रीज। दैट इज वाई ये जो एलिमेंट है इन्वेस्ट, ये लाए गए। देन अलाइन का एलिमेंट है, अलाइन क्या है, यूएस ने कहा कि अब हम ज्यादा बेहतर तरीके से अपने पार्टनर्स के साथ, अपने एलाइज के साथ अपने आप को अलाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में आपने देखा कि पार्टनर्स को ऐसा लगा कि यूएस कभी भी आपको छोड़ सकता है। टीपीपी से यूएस निकल गया, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से निकल गया, पेरिस क्लाइमेट डील से निकल गया, ठीक है, और इसके अलावा जो है आप देखें नेटो में, नेटो के समिट में डोनाल्ड ट्रंप के आप रिमार्क्स उठा के देख लें, जापान के ऊपर आप रिमार्क्स उठा के देख लें, तो ये सब चीजें आपके सामने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया। अब इसको जो है वो ये जो लॉस हुआ है इसको भरने के लिए, इसको रिवर्स करने के लिए उन्होंने एक एलिमेंट लेकर है अलाइन, कि यूएस नाउ अलाइन
विद द एलाइज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, खासतौर पर एशिया पैसिफिक के रीजन में। मीजन और आपने देखा कि क्वाड अनाउंस की गई, फिर अकुस अनाउंस की गई ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड के साथ, ठीक है, इंडिया के साथ बड़े बेहतर तरीके से अब जो है वो बात की जाए। और तीसरा एलिमेंट है कम्पीट, कि भाई कम्पीट भी की जाएगा चाइना को हर लेवल के ऊपर, चाहे वो सोशल डोमेन है, पॉलिटिकल डोमेन है, टेक्नोलॉजिकल डोमेन है, स्ट्रेटजिक डोमेन, चाइना के साथ कम्पीट किया जाएगा। कॉम्पिटिशन होगा बट विदाउट कन्फ्रंटेशन, ये बात याद रखिएगा, कॉम्पिटिशन होगा बट विदाउट कन्फ्रंटेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट डोमेन थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। अब इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड द वीकली न्यूज एनालिसिस। कोई और क्वेश्चन है तो जी पूछें। अच्छा, एक और डेवलपमेंट जो कि नेशनल लेवल पर हुई, ऑल दो इसका सीएसएस से तो लेना देना नहीं है, लेकिन